जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि विपिन और सम्राट दोनों की वहां पर बहुत ही खतरनाक जमकर फाइट हो रही थी और सम्राट विपिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगा था। हालांकि ये को सबको ही पता है कि जब भी विपिन के ऊपर कोई भी भारी पड़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। उसी वक्त अचानक से विपिन अपना दिमाग चलाता है और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और ग्लेशियर रेन सोर्ड के साथ में सम्राट के ऊपर वार कर देता है और वही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जब गोल्डन कढ़ाई ऊपर से पड़ी थी ना, तो उसके बाद में ग्लेशियर रेन सोर्ड एक गलती जगह के अंदर घुस गई थी। अरे उसको पता नहीं था कि वो जा कहां रही थी। हालांकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर पड़ने की वजह से उसका वहां का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और जहां पर उसका निशाना था वहां न लगकर वो सीधे उसके पिछवाड़े के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से उसको देखते विपिन अपनी आंखें वहां पर बंद कर खड़ा हो जाता है। ओ नो, ये क्या हो गया? अरे ये ग्लेशियर रेन सोर्ड के साथ में बेचारी, ये अच्छा होता कि इसके अंदर आत्मा नहीं होती तो, वरना मैं इसको देख लेता। हालांकि यहाँ पर इसके अंदर तो तलवार भी है और ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से गंदगी से जबी हुई है। ग्लेशियर रेन सोर्ड विपिन के साथ में बहुत ज्यादा समय के अंदर से थी। हालांकि अब उसको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आगे जाकर उसको कैसे ग्लेशियर रेन सोर्ड को यूज करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उस गंदगी के अंदर उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अगर वो वहां पर उसको अपने साथ में रखता तो फिर तो हर कोई उससे दूर भागता, ऐसे बोलता, अरे ये किस चीज की बदबू आ रही है, बेचारी मेरी ग्लेशियर रेन सोर्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इसके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि ग्लेशियर रेन सोर्ड को भी उससे बहुत ही बुरा आघात पहुंचा होगा। अरे उसने कभी सोचा होगा कि वह एक सोर्ड होने के बाद में किसी के पिछवाड़े के अंदर इस तरह से टेप हो जाएगी। जहां पर विपिन अपना सर और अपनी आंखें छुपाए हुए बैठा था, वहीं दूसरी तरफ अभी सम्राट का भी यही हाल था। अरे वह तो यहाँ पर पागल होने के कगार पर पहुंच चुका था। अरे भाई, आखिरकार वह राक्षसी जनजाति का एक सम्राट था और उसके साथ में ऐसे काम होना वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात थी। अरे भाई, मुझे तो बख्श देता कम से कम। अरे कहां पर तू, कहां घुस गया मेरी जगह पर, मैं अब सुबह सुबह कहां से जाऊंगा। हाँ, मान लिया कि किसी ने संतुलन स्टेज 3 के ऊपर होने के बाद में उसको यहाँ पर इस तरह से मारा पीटा था। हालांकि अब वह किसी को ऐसे कैसे बता सकता है कि कोई तलवार उसके पिछवाड़े में आकर घुस गई थी। अरे अब तो मेरा सुबह सुबह हगना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई तो अभी उसके चेहरे के ऊपर ऐसे बैठी थी अपने पिछवाड़े टिकाए, जैसे कि वह कोई नरम कुशन को ढूंढ रही हो। और ग्लेशियर रेन सोर्ड अभी उसके पिछवाड़े के अंदर स्टक थी, जो अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह वहां पर निकल नहीं पा रही थी। तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम सभी ने आज मेरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी है। जल्दी से सम्राट अब वहां पर खड़ा होता है और उसकी एनर्जी वहां पर फैल जाती है। उसकी एनर्जी को फैलने की वजह से जो उसके पिछवाड़े के अंदर वह ग्लेशियर रेन सोर्ड छुपी हुई थी ना, वह बाहर निकल कर उछल जाती है और उस कढ़ाई को जोर से वह एक पंच मारता है, जिसके साथ में उसको भी दूर फेंक दिया जाता है। वहीं जब सम्राट ने गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अपने मुंह के ऊपर से हटाया तो उसके बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थोड़ी नाराज हो जाती है और वह अब उसको ऐसे देखने लगती है जैसे कि किसी ने उसका खाना छीन लिया हो। मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा था, अरे पहली बार में किसी के ऊपर ऐसे बैठी थी और तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ से उठा दिया। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसकी वह एनर्जी देखने के बाद विपिन वहां पर अपने आप को बोलने से नहीं रोक सका। वास्तव में ये शक्तिशाली तो है, क्योंकि अपनी एनर्जी के साथ में उसने अपने पिछवाड़े के अंदर से आराम से उस तलवार को बाहर निकाल कर फेंक दिया था। इसका शरीर वास्तव में फौलाद का बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसको दर्द भी नहीं हुआ होगा। इसको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई सिरिंज इसके पिछवाड़े के अंदर घोप दी गई हो। इसके अलावा विपिन यहाँ पर अभी अपनी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और ग्लेशियर रेन सोर्ड का ही यूज कर रहा था, क्योंकि वह अभी तक दूसरे भयानक से नहीं मिला था। इसी वजह से वह यहाँ पर अपनी सारी ताकत को नहीं दिखाना चाहता था और अपने भयानक को बाहर भी नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि अगर वास्तव में उसने अभी अपने सारे ट्रम्प कार्ड का यूज कर दिया, अरे तो फिर वह आगे जाकर कैसे दूसरे भयानक का सामना कर सकता था। हालांकि अब वहीं किंगटेन सम्राट विपिन और उसके साथियों को ऐसे देख रहा था जैसे कि उनका कचुंबर बनाकर वह वहीं पर ही खा जाएगा। उसने कहा, अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जैसे उसने ऐसा कहा ही था कि अचानक से उसका शरीर बीच में से बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। पलक झपकते ही वह 3 मीटर तक लंबा हो चुका था। उस नजारा देखने के बाद में विपिन पूरी तरह से अचंभित रह जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अपने शरीर को इस गलत समय के अंदर बड़ा करना यह तो एक मूर्खतापूर्ण चाल थी, क्योंकि इस तरफ क्लोज रेंज फाइट के अंदर छोटा शरीर होना ही अच्छा था, क्योंकि एक बार बड़े शरीर होने के बाद में विपिन उसके ऊपर अगर कहीं से भी अटैक करता है तो उसके बाद में उसको डोज ही नहीं कर पाता। लेकिन ये आखिरकार ये यहाँ पर करने की क्या जरूरत, लेकिन ये आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है।
जहाँ पर विपिन अभी उसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से किंगटेल सम्राट अलग ही कुछ करने लगता है। उसके बाद में वो अचानक से अपने एक दूसरे कंधे को पकड़ता है और उसको मजबूती से पकड़कर उसको खींचने लगता है, जिसके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप के दो टुकड़े कर रहा हो। हैं, ये क्या कर रहा है? अरे बेवकूफ इंसान, तेरे को यहाँ पर मरने के लिए किसने कहा? अगर तुझे आत्मा तय करनी थी तो तुझे हमें सभी को यहाँ पर परेशान करने की क्या जरूरत थी? विपिन अभी किंगटेल सम्राट की वैसी हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान था। उसके साथ में वही नहीं था जो इस तरह से चकित था, गोल्डन ओजन कढ़ाई का भी यही हाल था। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से देख रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ ग्लेशियर रेनसोर का भी यही हाल था। वह वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि वह अपने आप को वहीं रोक लेती है और वह वहीं पर ही खड़ी खड़ी अब सम्राट को देखने लगती है, क्योंकि वह देख सकती थी कि सम्राट अभी खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वह आत्महत्या कर रहा था। उसी को देखते हुए ग्लेशियर रेनसोर सोचने लगती है, अरे बेवकूफ हो गया है क्या? अरे इसको यहाँ पर मरने की क्या जरूरत है? वो तो मैं था जो इसके पिछवाड़े के गंदे से पिछवाड़े के अंदर घुसा था। अरे मरना तो मुझे चाहिए था, मुझे क्या महसूस हो रहा होगा? अरे आगे जाकर अगर कोई मुझे मेरा लवर मिल जाता है तो उसके साथ में कैसे रहूंगी इस बदबूदार कीचड़ के साथ में? मेरे को तो इसको सोच के ही उल्टी आ रही है। अभी भी मेरे अंदर से इतनी गंदी बूबू आ रही है और ये पागल यहाँ पर खुद ही मरने के लिए चला गया। अरे भगवान, आजकल ये कैसा कलयुग आ गया है जहाँ पर जिसको मरना चाहिए था वो तो मर नहीं रहा और जिसको नहीं मरना चाहिए था वो मर रहा है, क्योंकि आखिरकार वह किंगटेल सम्राट था। आखिरकार वह कैसे ऐसा कर सकता था? क्या वास्तव में इस किंगटेल सम्राट का दिमाग इतना ज्यादा कमजोर है कि यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए चला गया? अच्छा है, मैं इससे ताकतवर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाकर भविष्य के अंदर मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ और ऐसे बिना फालतू हार नहीं माननी चाहिए। जहाँ पर विपिन और उसकी कलाकृतियाँ अभी भयानक ऐसे घूर रही थी कि अचानक से जहाँ पर विपिन और उसकी कलाकृतियाँ अभी उस सम्राट को ऐसे घूर रही थी कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं था, वह भयानक था। वह कहता है, मास्टर मास्टर, आपको एक बात नोटिस की? देखो एक बार, उसके शरीर के अंदर से कोई भी खून नहीं निकल रहा है। भयानक की बात सुनते ही विपिन उसकी तरफ देखता है और वो पाता है कि हाँ, वास्तव में उसके शरीर के अंदर से एक बूंद खून की नहीं निकल रही थी, जबकि वह अपने शरीर को दो हिस्सों के अंदर काट रहा था। मास्टर, मेरी याददाश्त यहाँ पर कमजोर है, हालांकि फिर भी मैं ये बता सकता हूँ कि वास्तव में ये अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने जा रहा है। ये अपना ही दो क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा है। बात कुछ ऐसी है कि इसके अंदर दर्द तो बहुत होता है, हालांकि इस गुप्त कला के साथ में अगर कोई भी अपना दो क्लोन बनाने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद में उसकी ताकत 2x हो जाएगी। हालांकि इसका एक साइड इफेक्ट भी था, जब तक ये उसी क्लोन के अंदर रहता है तो उसके साथ में ये ताकतवर रहेगा। हालांकि इसकी भी समय की अवधि होती है और उस समय की अवधि के अंदर इसने अपना काम नहीं किया तो उसके बाद में ये हो सकता था कि उसकी साधना के अंदर एक भारी गिरावट आती। क्या कहा तुमने? क्या वास्तव में ये सच है? क्या वो अभी यहाँ पर क्लोन करने की कोशिश कर रहा है? उसकी बात सुनने के बाद में विपिन का मुंह पर फटाका फटा रह जाता है और उसका दिमाग तुरंत वहाँ पर चलने लगता है, क्योंकि वो जानता था अगर एक बार इस सम्राट ने अपनी बॉडी के दो टुकड़े कर लिए और दो क्लोन बना लिया ना, तो उसके बाद में उसके पास में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो वहाँ पर किंगटेल सम्राट का सामना कर सके, क्योंकि यहाँ पर एक किंगटेल सम्राट ही उनके ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ा हुआ था। अरे तो उसके बाद में दो दो किंगटेल सम्राट उसकी क्या ही हालत कर देंगे। उसके बाद में जल्दी से वह डिंग डिंग और उसकी ग्लेशियर रेनसोर्ड को कहता है, तुम दोनों जल्दी से जाओ और उसके ऊपर अटैक करो, उसको जल्दी से रोको, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपने दो टुकड़े कर लेता है और क्लोन बना लेता है तो हम लोग उसको यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ में सभी अब पूरी ताकत के साथ में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। विपिन अभी अपने शक्तिशाली क्यूक बार का यूज कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ ग्लेशियर रेनसोर्ड दूसरी बॉडी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। विपिन अभी अपने हाथ का यूज कर रहा था, उसको एक तलवार की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर तलवार की पावर लाकर वह अभी सम्राट के सर को उसके धड़ से अलग कर देना चाहता था, जिससे पहले कि वह क्लोन बन पाए। हालांकि जिससे पहले ही गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और विपिन वहां पर पहुंच पाता, उससे पहले ही अचानक से किंगटेल सम्राट की दोनों बॉडी के अंदर जान आने लगती है और वो दोनों हलचल करने लगती है। पलक झपकते ही दोनों हिस्सों के अंदर एक एक बॉडी बनना शुरू हो जाती है और जल्द ही वह दोनों अपना असली आकार ले लेती है। पैंग, अपने आने वाली गोल्डन ओरिजिन खड़ाई और उस ग्लेशियर रेनसोर्ड को एक शरीर ने दूर भेज दिया और उसके बाद में विपिन को भी वहां से दूर कर दिया गया था। जैसे ही विपिन वहां से दूर उड़के हुए जाता है तो वह जाकर एक दीवार के अंदर टकरा जाता है। उसके मुंह से अब खून निकलने लगता है। जल्दी से विपिन अपने आप को संभालता है और अपनी स्वर्गीय साफ एनर्जी को चलाते हुए अपनी सभी चोटों को वहां पर भरने लगता है। फिर उसने अपनी नजर ऊपर उठाई ना तो उसने देखा कि ग्लेशियर रेनसोर्ड और गोल्डन ओरिजिन खड़ाई भी अभी हवा की सैर कर रही थी और दूर जाकर एक दीवार के अंदर पिन हो चुके थे, जैसा कि अपेक्षा की जा सकती थी। वास्तव में दोनों किंगटेल सम्राट की ताकत एक जैसी थी और दोनों अब एक
एक जैसे ही थे, तो इसी वजह से अब उनकी समताएं भी एक दूसरे ही चरण में पहुंच चुकी थी। यानी कि अगर वह यहाँ पर संयुक्त काम करना चाहे ना, तो साथ में मिलकर इन सभी का सफाया कर सकते थे। उसके बाद में किंगडम सम्राट अपने आप को संभालता है। मुझे यहाँ पर इस तरह से मजबूर करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इस टेक्निक का यूज करने लगा हूँ, और अब तुम यहाँ से बचकर कहीं पे भी नहीं भाग सकते। वहाँ पर अभी किंगडम सम्राट की दोनों बुढ़िया एक साथ बोल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर डबल डबल आवाज और गूंजती हुई आवाज महसूस हो रही थी। मैं तुम्हारे यहाँ पर आज टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, किंगडम सम्राट ने विपिन से कहा। अरे वास्तव में उसने सालों से अपने पिछवाड़े और अपने आगे के मंडी को संभाल कर रखा हुआ था, और युवक ने वास्तव में लापरवाही से उसके उसी अंगों के ऊपर अटैक कर दिया जिसकी वो वहाँ पर सेफ रखा करता था। और इतना ही नहीं, उसको यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मिंदा कर दिया था कि अगर उसकी जगह यहाँ पर कोई और होता तो वह कब का यहाँ पर आत्महत्या कर चुका होता। लेकिन उसकी बात पर कोई भी ध्यान न देते हुए सीधे उसने उससे पूछ लिया, तुम मुझे पहले एक बात बताओ यार, कि आखिरकार तुम असली क्लोन हो कि वह असली क्लोन है, तुम असली शरीर हो कि वह असली शरीर है। वहीं उसकी वह बात सुनने के बाद में किंगडम सम्राट भड़क उठता है। ओ चुप हो जा, ये शरीर है, वो क्लोन है, ये क्लोन है, ये क्या कर रहा है? मैं तुझे यहाँ पर मारने की बात कर रहा हूँ, और तू यहाँ पर मेरे से फालतू के सवाल पूछते जा रहा है।